माय चैनल। तो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं ये पॉट, लेकिन इससे पहले वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इसमें हम इस टोटली वेस्ट कंटेनर को यूज़ करने वाले हैं। इसका ढक्कन बिल्कुल लूज़ हो चुका है और ये एयरटाइट नहीं है, और इसकी जगह मैंने अब दूसरे यूज़ कर लिया। ऐसे मेरे पास कई सारे हैं ये, और मेरे ख्याल से ये बहुत सस्ते मैंने स्ट्रीट में जो रेहड़ियाँ आती हैं वहाँ से लिए थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, फैब्रिक कलर यूज़ किया है, एक्राइल पेंट भी आप कर सकते हो, मतलब कह सकते हो। तो उसको मैंने ब्रश का यूज़ करके इस कंटेनर पर पेंट कर दिया है। 2 कोट्स की थी मैंने इसकी। हाँ, इसके अल्टरनेटिव में बता देती हूँ, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप स्पंज यूज़ कर सकते हैं, स्पंज भी नहीं है तो आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईयरबड बनाते हैं हम, इस तरह से कॉटन को किसी स्टिक में लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने डबल कोट कर दिया इस पर। डबल कोट करने से क्या होता है कि शाइन बनी रहती है, वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा सुंदर लगता है। जो इसका बेस जो होता है, जो इसका ट्रांसल्यूसेंट जो बेस है, वो इसका नहीं दिखेगा, तो एक शाइन आ जाएगी इसमें, ओरिजिनलिटी आ जाएगी इसमें, इसलिए मैंने इसको डबल कोट कर दिया था। तो देखिए ये डबल कोट हो चुकी है। इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास ये थे गोल्डन कलर, और इसकी एक खासियत ये है इस डिब्बे की, एक कि इसके अंदर ये गोल्डन पेंट है। देखिए मैं गोल्डन पेंट खोल रही हूँ, ये वाटर कलर्स हैं लेकिन इसमें गोल्डन भी है, जो वाटर से भी चल जाता है और आप वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसकी खासियत, इस तरह का इनके अंदर एक रिसेसिव सा एक डिज़ाइन है जो हर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। तो उसको मैंने क्या किया, इस गोल्डन पेंट से उभार दिया है गोल्डन पेंट करके। तो ये डिज़ाइन इस पर 3 जगह है, मतलब जो लैंडस्केप है, पाम ट्री, बोट, और ये माउंटेन्स बनी हुई हैं, सन है, वाटर है, है ना, एक एक इसमें बोट चलाते हुए एक ह्यूमन भी बना हुआ है। तो ये जो लैंडस्केप है इसमें 3 प्लेसेस पर है, 3 जगह पर है। तो मैंने तीनों जगह पर उस लैंडस्केप, इन लैंडस्केप को गोल्डन कलर से उभार दिया है, उन पर गोल्डन कलर कर दिया है। थोड़ा सा आपको बहुत माइन्यूटली काम करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो डिज़ाइन आएगा वो बहुत सुंदर आएगा। तो मैंने जब उनको देखा कि क्यों ना मैं इस डिज़ाइन को उभारूं, क्योंकि वो रिसेसिव डिज़ाइन होता है लेकिन दिखता नहीं है इतना ज़्यादा। तो मैंने उसको इस तरीके से, देखिए तीनों जगह इस तरह से उभार दिया, तीनों जगह मैंने ये गोल्डन पेंट कर दिया। और ये आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकती है, बहुत सुंदर लगेगा ये। अब मैंने लेकिन थोड़ा सा और इसको किया चेंज। मैंने क्या किया है, मेरे पास ये गोल्डन रोप थी तो मैंने इसको भी इस पर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दिया। प्लास्टिक रोप है ये, पेपर रोप है, प्लास्टिक पॉलीथीन रोप है, तो इसको मैंने इस पर चारों तरफ इसकी सर्कमफेरेंस पर लगा दिया। फिर मैं स्टिक्स ली। आइसक्रीम स्टिक्स से क्या हुआ कि मैंने 3-3 आइसक्रीम स्टिक्स को फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दिया, उन पर पेपर टेप लगाया और उन पर भी गोल्डन पेंट कर दिया। बाद में मैंने पेपर टेप को हटा दिया था, तो उस पर एक डिज़ाइन सा बन गया था वुडन और गोल्डन का। तो इस तरीके से 3 मैंने सेट बना ली। बाद में मैं 4 बनाऊंगी क्योंकि डिसबैलेंसिंग हो गई, तो आप 4 बना लीजिए एक साथ ही 3-3 को पेस्ट करके। इसके बाद इसका जो लिड था उसको भी मैंने गोल्डन पेंट कर दिया। देखिए इस तरीके से गोल्डन पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ग्लू गन से पेस्ट कर दिया। मैं तो आपको राय दूंगी, अगर आपको इसको बहुत परमानेंट बनाना तो आप इसमें नेल जो आती हैं, सी जो स्क्रू वाली, छोटे वाले स्क्रू आते हैं, उनसे इनको एडजस्ट कीजिए, बहुत अच्छा होगा ये। लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, मैंने ऐसे किया था, ये बहुत लॉन्ग लास्टिक नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप स्क्रू लगा देंगे तो बहुत लॉन्ग लास्टिक बन जाएगा। तो इस तरह स्टैंड बना लिया मैंने, और उस पर भी देखो मैंने वही रोप लगा दी है जो गोल्डन सिल्वर रोप थी, और मैंने इस कंटेनर में मिट्टी भर दी, सॉइल भर दी, और ये जो प्लांटर मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, कल की वीडियो में आप देख लीजिए, मुझे लिंक देने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर दिया और ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना था, मिट्टी के ऊपर मुझे कुछ अच्छा सा, कुछ अट्रैक्टिव सा देना था, तो मैंने ये फॉइल पेपर था मेरे पास, यूज्ड फॉइल पेपर था जो मैंने अक्सर अपने रोटी वाले उसमें रखती हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए हैं डेली वाले। तो मैंने क्या किया, इनके अंदर छोटा छोटा पेपर डाल के और इनको इस तरह से गोल गोल बॉल्स बना लिए, और बॉल्स को मैंने अब इस मिट्टी पर इस तरीके से रख दिए जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। तो ये बड़ा सुंदर सा एक कॉन्ट्रास्ट लग रहा था, क्योंकि जो रोप है वो गोल्डन सिल्वर पॉलीथीन से बना हुआ था, और पूरा जो ब्लैक और गोल्डन हो गया, ऊपर ग्रीन प्लांटर हो गया, ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो आई होप आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी ये ट्राई करेंगे पॉट बनाने का। और इस तरह के बहुत सारे कंटेनर्स हमारे घर में होते हैं और हम यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से अगर कोई रिसेसिव डिज़ाइन किसी पर है,
और हमें बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा वेस्ट कंटेनर, तो आप बिल्कुल बनाइए, अच्छा लगेगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। और अगर आप पॉट भी नहीं बनाना चाहते और उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ चीज़ें कंटेनर में डालना चाहते हो, तो इस तरीके से उसका रिन्यूएशन करके भी आप किचन में भी यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे भी दिखाऊँगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ स्टे सेफ। कोरोना से अच्छे अच्छे VIPs जा चुके हैं, आपने देखा भी यह है। अभी भाग मिल्खा भाग मूवी जो बनी थी, मिल्खा जी का देहांत हो गया है, उनकी वाइफ का देहांत हो गया था अभी एक हफ्ते पहले ही उनसे, तो दोनों का ही कोरोना से डेथ हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहिए, कोरोना को हल्का मत लीजिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्लीज़ स्टे हैप्पी एंड सेफ ऑल्सो। तो फ्रेंड्स घर बैठे बैठे कुछ नया क्रिएट करते रहिए, और अगर मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ नया दिमाग में अगर आपके में है तो बताइए, और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।